बात यूपी के बहुचर्चित उमेशपाल हत्याकांड की। आज एक बार फिर यूपी के प्रयागराज में अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर चलेगा। आज बारी उमेशपाल हत्याकांड के बमबास गुड्डू मुस्लिम की है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई के तहत एक बार फिर से चकिया इलाके में बुलडोजर गरजेगा। पीड़ित के अफसरों ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ गुड्डू मुस्लिम के चक निरातुल स्थित घर की पहचान कर ली है। वही गुड्डू मुस्लिम है जो सीसीटीवी फुटेज में उमेशपाल हत्याकांड के दौरान दहशत पैदा करने और लोगों को दूर रखने के लिए लगातार बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा था। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। संतोष, ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है या इसमें अभी डिले है? देखिए, अभी थोड़ा वक्त और लग रहा है क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा जो बिल्डिंग्स चिन्हित की गई हैं, कल जिस तरीके से सफदर अली का मकान गिराया गया उसके बाद से तमाम ऐसे लोगों की फेरिस्त बनाई जा रही है जिनका प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन उनमें से वो लोग तलाशे जा रहे हैं जिनका कि उमेशपाल हत्याकांड में सीधे से नाम है, चाहे वो मोहम्मद गुलाम हो, गुड्डू मुस्लिम हो, साबिर अली हो या फिर सदाकत के भी जो करीबी हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो इतना ज़रूर है कि आज अतीक अहमद के करीबी और उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी के घर का पर बुलडोजर चलेगा। आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम का ही वो घर होगा जिस पर बुलडोजर चलेगा, जिस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर उसको मिट्टी में मिलाएगा। लेकिन अभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा कोई स्पष्ट ऐसी जगह या कोई ऐसा मकान या ऐसा कोई नाम अभी नहीं साफ हो पा रहा है कि कहां पर यह आज बुलडोजर चलेगा, लेकिन जो कार्रवाई है वो तय है और जो तैयारी है वो भी तय हो चुकी है। पुलिस फोर्स और तमाम लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा आपने ये भी बताया था कि आज सुबह लगभग 11-12 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू होनी थी। कुछ कागजी कार्रवाई में डिले हो रहा है या फिर ये पूरा मामला जिस तरीके से सियासत इसमें की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, इसको अगर साफ तौर पर कहें तो ये एहतियात बरती जा रही है। कल इन लोगों ने सफदर अली का मकान गिराया। सफदर अली एसएसए गन हाउस के संचालक हैं, एसएसए गन हाउस इनका जॉनसन रोड पर, लेकिन उनका कोई उमेशपाल हत्याकांड से कनेक्शन नहीं निकला। किसी भी अधिकारी ने फॉर्मली या अनफॉर्मली नहीं बताया कि उसका कोई उमेशपाल हत्याकांड से कनेक्शन है, लेकिन घर गिरा दिया गया। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कहा गया कि उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं एक किरकिरी का सबब बना। लेकिन उसके बाद अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रयागराज पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो सीधे से अतीक गैंग के सीधे कनेक्शन में है, अतीक गैंग के लिए काम करते हैं और उमेशपाल हत्याकांड में भी उनका रोल सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड को हुए एक सप्ताह आज हो चुका है और ऐसे में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ है, कोई शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है और दो लोगों के बुलडोजर से घर गिराए गए। जो पहला बुलडोजर गिरा चला वो था जफर अहमद के घर पर, जो बताया जा रहा कि अतीक अहमद की पत्नी जो शाइस्ता थी उनको उसने किराए पर अपना मकान दे दिया था और शाइस्ता से मिलने के लिए उमेशपाल हत्याकांड के शूटर वहां मिलने पहुंचे थे, तो उसका घर गिरा दिया गया। कल सफदर अली का घर गिराया गया लेकिन उसका कोई उमेशपाल हत्याकांड से कनेक्शन नहीं निकला, लिहाजा आज कनेक्शन जिनका उमेशपाल हत्याकांड से और अतीक से है उन घरों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है इस खबर का दोबारा रुख करेंगे।